जय हिंद एंड वेलकम टू द करंट अफेयर क्लास फ्रॉम 19th to 25th July. 10 क्वेश्चंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन फॉर 3 मिनट. आंसर एज मैनी एज यू कैन विद इन 3 मिनट्स. आफ्टर दैट देयर विल बी कंप्लीट डिस्कशन अलॉन्ग विद ऑप्शंस. थैंक यू वेरी मच. Jai Hind to all dear students. Welcome to Samantaraya Academy online classes. Students, ajay me kundar ekati kahi jai, ama Samantaraya Academy online classes ne, amara kichi current affair classes, ke current affair questions se class ne discuss kari bapari. To ajay me session hoche, amara 19 July 2021 to 25 July 2021 par chalta. Jemte amara arambha hoye jai, first to amara math ka column क्वेश्चंस कुड़ी का आरंभ होता है. हम सेंटी आरंभ करने के लिए होते हैं. फर्स्ट नंबर रे फर्स्ट कॉलम रे हमारा वुमन है चंदी. इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हेड कुड़ी का हमारा फर्स्ट कॉलम रे हो चंदी. और से माने कोको ऑर्गेनाइजेशंस को हेड कोच चंदी. से कुड़े तो अच्छे थे हमारा सेकंड कॉलम रे. तो फर्स्ट अच्छे थे हमारा आर माधवन, अजीत कुमार मोहंती, के शिवन और आर एस सोना. तो से माने कोको ऑर्गेनाइजेशंस कुड़े को हेड कोच चंदी. से कुड़े अच्छे सेकंड कॉलम रे. पे हमें मैच करेगा तो जल्दी देखिएगा. आर माधवन टॉप ऑर्गेनाइजेशन को हेड कोच होती. ही इज द करंट चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचएएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. चेयरमैन ऑफ एमडी एंड एचएएल बी. टॉप रे कोई अजीत कुमार मोहंती हो जाती. अजीत कुमार मोहंती कौन. ही इज द करंट चेयरमैन और डायरेक्टर ऑफ बार हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. हवा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. तापर हमें देखते हैं जल्दी हमारा के शिवन हमें समझते हैं जी. के शिवन इज द चेयरमैन ऑफ इसरो. के शिवन तांगो अंडर रे हमारा चंद्रयान 2 सब हमारा लॉन्च ही करा है. हमारा के शिवन करो नेतृत्व करे. के शिवन इज द डायरेक्टर ऑफ हमारा इसरो. तो चेयरमैन ऑफ इसरो. तापर पूरी ए सोमनाथ. के सोमनाथ कौन होता है. ए सोमनाथ इज डायरेक्टर ऑफ ESSC. S
सोमना डायरेक्टर ऑफ बीएसएससी बीएसएससी कौन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर समस्त नोट करबे जति ये एप्लीकेशन कोड को मते बहुत इंपोर्टेंट होते विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर आउ नंबर 2 नंबर 2 रो मैच का कॉलम मते बहुत इंपोर्टेंट होते से कोनी को हमरो करंट एग्जाम उडारे आस्ता है कि को स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स सहित जुड़ित होत है एटा बहुत इंपोर्टेंट लागे तो आमे जे देखिबा फर्स्ट कॉलम रे हमरो पूरा इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी जति केटी जाता केटी जाता टीआर सर्चेस करना मानेश्वरी और मानिका पत्रा तो से माने को स्पोर्ट्स सहित जुड़ित हमर केटी जाता जति हम देखिबा से वर्तनती हमरो रेस्टिंग सहित जुड़ित वर्तनती तापे पीआर सर्चेस जति देखिबा पीआर सर्चेस हमरो वर्तनती हमरो हॉकी हॉकी सहित जुड़ित वर्तनती हमरो हमरो पीआर सर्चेस कर्णा मलेश्वरी कर्णा मलेश्वरी वेट लिफ्टिंग सहित जुड़ित वर्तनती कर्णा मलेश्वरी कर्णा माने होतबे कर्णा मलेश्वरी हमरो वेट लिफ्टिंग सहित जुड़ित वर्तनती और से उचती फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडिया टू विन ए इंडिविजुअल मेडल फॉर आवर ओलंपिक ब्रोंज मेडल पाइथिले समस्त एडा माने रखबे फर्स्ट सिल्वर मेडल को वुमेन पाइथिले पीवी संधू हमर फर्स्ट सिल्वर मेडल पाइथिले के पीवी संधू पाइथिले एडा समस्त माने रखबे अब फर्स्ट अवार्ड के हमर फर्स्ट ओलंपिक मेडल के पाइथिले हमर कर्णम मलेश्वरी एडा समस्त माने रखबे तापरे मणिका पत्र के पाइथिले मणिका पत्र कोन होती हमर टेबल टेनिस सहित जुड़ित होती के मणिका पत्र टेबल टेनिस सेंटे नंबर 3 मेज द कॉलम कोन है हम इंपोर्टेंट डेज और डेट्स ऊपर आधारित हमरो मेज द कॉलम की नंबर 3 नंबर 3 फर्स्ट कॉलम रे छि इंपोर्टेंट हमर सेलिब्रेटेड डेज गुड़ी को अब सेटा को डेट पे सेलिब्रेट करा जाए से गुड़ी को छि हमरा नेक्स्ट कॉलम रे तो का फर्स्ट छ हमर कारगिल विजय दिवस तापर की आर्मी डे और हमर आर्म फोर्सेस फ्लैग डे डिफेंस रे जति सब डेट वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो हमर कारगिल विजय दिवस हम समझते जान छै कारगिल विजय दिवस के सेलिब्रेट करा छै माने 26 जुलाई से सेलिब्रेट करा जाए प्रति वर्ष कारगिल विजय दिवस और हम समस्त इतर जान छै कि इतर रो हम 22nd कारगिल विजय दिवस हम सेलिब्रेट कर छै आउ प्राइम मिनिस्टर को आरंभ करी समस्त भारत रो अनेक डिग्निटरीज टाइगर हिल रे हमर जो मेमोरियल अछि हमर कारगिल मेमोरियल जो अछि द्रास मेमोरियल जो अछि हमर सेठी द्रास मेमोरियल जो अछि सेठी श्रद्धांजलि दै छथि जयकिरी हमर कारगिल विजय दिवस 22nd कारगिल विजय दिवस आउ विजय दिवस ऑर्डिनरी ने हम जो विजय दिवस सेलिब्रेट करतौ सेटा हम केबे सेलिब्रेट करतौ 16 दिसंबर प्रति वर्ष 16 दिसंबर रे हम सेलिब्रेट करितौ हमर विजय दिवस बिना माने ए विजय दिवस 16 दिसंबर जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को हम मने रखे लगे कराए थे का हमर विजय दिवस और विक्ट्री डे आर्मी डे हम केबे सेलिब्रेट करतौ आर्मी डे हम सेलिब्रेट करतौ 15 जनवरी रे हम सेलिब्रेट करतौ आर्मी डे से कौन पे सेलिब्रेट है हम इंडियन आर्मी से तरफ फर्स्ट कमांडर इन चीफ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ जनरल के एम करियप्पा को पाइदला तो आप सेजन सत्र के सेजन होते को मने रखा लगे हम सेलिब्रेट करतौ आर्मी डे और 15 जनवरी रे हम प्रति वर्ष सेलिब्रेट करतौ आर्मी डे तापरे आर्म फोर्सेस फ्लैग डे से आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हम केबे सेलिब्रेट करतौ 7 दिसंबर के माने आर्म फोर्सेस फ्लैग डे डेज गुड़ी को इंपोर्टेंट डेज गुड़ी को बहुत इंपोर्टेंट अछि तो तापरे नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 रे के फर्स्ट कॉलम रे कोन अछि जत्ते भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से गुड़ी को अछि हमरा फर्स्ट कॉलम रे तापरे नेक्स्ट कॉलम रे कोन अछि से गुड़ी पर करंट मेंबर्स अछि हमर सेकंड कॉलम रे तो सेंटी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गुड़ी पर मेंबर्स समान का एस्टैब्लिशमेंट ईयर और समान पर लोकेशंस वेरी वेरी इंपोर्टेंट बिना माने तो एटी हम मैच करबा जो देखबा 7 पर करंट मेंबर्स केते अटल की 8 एशियन कंट्रीज रा मेंबर्स केते अटल की जो हम एशियन अछि तार मेंबर्स अटल की 10 बेटा समझ में लगबा ए तापर पुनी यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन तार करंट मेंबर केते जति 193 बेटा समझ में लगबे 193 तापर डब्ल्यूटीओ केते मेंबर्स अछि तार 164 एंती सब इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस कोडी करो जति भी एब्रिविएशंस मते बहुत इंपोर्टेंट होते इला माने
ଏଠି ଯେତିକି ବି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ଟାସ୍କ ରହିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଟେ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ କୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ସବୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲମରେ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସ୍ ରହିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରହିଛି ଆଉ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଉ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କଲମରେ କୁହାଯାଇଛି ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମର କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 12-35 ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ଆର୍ଟିକଲ 12-35 ଏ ତାପରେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ପ୍ରୋଭିଜନ କୋଉଠୁ କୋଉ ଜାଗା ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 343-351 ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ 343-351 ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ 343-351 ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୋଉଟା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆନ୍ସର କରିବେ ଆମ ଦେଶର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଆଉ ଆମ ଦେଶର ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ'ଣ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଲାଗି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଆମର 352-360 ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଲାଗି ଆର୍ଟିକଲ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଡି ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇଛି ତାପରେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ର ଆର୍ଟିକଲ ହେଉଛି 368 ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 368 ପିଲାମାନେ ଆଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଭିଜନ କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ରୁ ଆସିଛି କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆସିଛି ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ମ୍ୟାଥ୍ ବା କଲମ ଯେତିକି ବି ଆମେ ସାରିସାରିଛେ ଏବେ ଆମର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ରିଭିଏସନ୍ସ ଆପ୍ରିଭିଏସନ୍ସ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଏଇଟା ଏକ୍ସାମ୍ରେ ବହୁତ ଥର ଆସୁଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଥର ଦେଖିବା ଆସୁଛି ଏଥର ଡିଟିପି ସିମ୍ ଜିପିଆରଏସ୍ ଏନ୍ସିଡି ସିଆର୍ପି ସିଡିଏଲ୍ ରେଗୁଲାର ଲାଇଫ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିବା ଆପ୍ରିଭିଏସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ଆଉ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକର ବହୁତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ରିଭିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିଟିପି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଡିଟିପିର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିସିଂ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିବେ ଡେସ୍କଟପ୍ ପବ୍ଲିସିଂ ହେଉଛି ଡିଟିପିର ଆମର ଫୁଲଫର୍ମ ଅଟେ ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସିମ୍ କାର୍ଡ ର ସିମ୍ ର ଫୁଲଫର୍ମ କ'ଣ ଅଟେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ହେଉଛି ସିମ୍ ର ଫୁଲଫର୍ମ ତାପରେ ଜିପିଆରଏସ୍ ଜିପିଆରଏସ୍ ର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫୁଲଫର୍ମ ରହିଛି ଜିପିଆରଏସ୍ ର ଫୁଲଫର୍ମ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜିପିଆରଏସ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିପିଆରଏସ୍ ର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରେଡିଓ ସର୍ଭିସ୍ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିବେ ଜେନେରାଲ ପ୍ୟାକେଟ୍ ରେଡିଓ ସର୍ଭିସ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏନ୍ସିଡି ଏନ୍ସିଡି ର ଫୁଲଫର୍ମ ହେଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରୁଥିବେ କାରଣ ଏଇ ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫୁଲଫର୍ମ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ତାପରେ ସିଆର୍ଟି ସିଆର୍ଟି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତେ କ୍ୟାଥୋଡ୍ ରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସିଡିଏମ୍ଏ ସିଡିଏମ୍ଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିଡିଏମ୍ଏ ସିଡିଏମ୍ଏ ର ଫୁଲଫର୍ମ କି ସମସ୍ତେ ଲେଖିବେ କୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କୋଡ୍ ଡିଭିଜନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ସିଡିଏମ୍ ର ଫୁଲଫର୍ମ ସିଡିଏମ୍ଏ ର ଫୁଲଫର୍ମ ତ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଥିଲା ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ରେଗୁଲାର ଭାବରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ନମ୍ବର ସେଭେନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସାମ୍ସରେ ବହୁତ ଆସିଥାଏ ଆମର ଦ ୱିନର ଅଫ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 2021 ଅନେକ ଥର ଆମେ କହିସାରିଛେ କି ଅନେକ ଯୋଉ ଆମର ଯେତିକି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ F1 ରେସ୍ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସୁଛି ତାଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରିକ୍ସ 2021 କିଏ ଜିତିଲେ ଅପସନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଡାନିଏଲ ରିକାର୍ଡୋ ଆମର ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ ତାପରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭେରଷ୍ଟାପେନ ଆଉ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋଟ୍ଟାସ୍ ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଟି ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କିଏ ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ ପିଲାମାନେ ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଲୁଇସ୍ ହାମିଲଟନ ଆଉ ସେ ହରେଇଲେ କାହାକୁ ଆମର ମ୍ୟାକ୍ସ ଭେରଷ୍ଟାପେନ କୁ ଡିଫିଟ୍ କଲେ କାହାକୁ କଲେ ମ୍ୟାକ୍ସ ଭେରଷ୍ଟାପେନ କୁ ଡିଫିଟ୍ କଲେ
डैनियल रिकॉर्ड हो आगे जते कि डैनियल रिकॉर्ड से के मध्य ग्रैंड प्रिक्स जीति जंती हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स समस्त मैटर पे हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीति जंती के 2021 रो डैनियल रिकॉर्ड तापरे जदी हम देखिबा मैक्स पेटरसन मध्य ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीति जंती एतरो लेटेस्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स पेटरसन सेमिति क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 मध्य बहुत इंपोर्टेंट अटे इंपोर्टेंट एतर जो कैन फिल्म फेस्टिवल अछि ता ऊपर क्वेश्चन अटे सेतर ई क्वेश्चन रो हम दुटा तीनटा क्वेश्चन पाइबा द डायरेक्टर समस्त बोलते कि देखबे द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टाइटन द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म टाइटन एंड द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर इन 28 इयर्स टू विन द 74th कैन फिल्म फेस्टिवल ब्लैक पेन बिग हॉल एटा होची से अवार्ड रना फैन बी और आउ एतरो केते नंबर कैन फेस्टिवल एटा इंपोर्टेंट 74th कैन फेस्टिवल आउ एतरो फर्स्ट टाइम जो डायरेक्टर जो टाइम ए फिल्म रो टाइटन एंड द फर्स्ट टाइम ए टाइटन इन द फर्स्ट फिल्म रो जने डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर जेकी 28 इयर्स रे ए प्लान द और अवार्ड टी पाई ताको नाटी कोन एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट ऑप्शन गुड़ी को अच्छी जूलिया जूलिया डेकर हमर लियो स्कारेक्स और सेलिब्रिटी हैंड सेलिब्रिटी लैंड्री जोन्स ना रिनेट रिनेट रोन्जिक तो करेक्ट आंसर क्या होची करेक्ट आंसर क्या होची ऑप्शन ए जूलिया जूलिया ड्यूस्को गुड़ी को सब फ्रेंच ना सुनिबा को मध्य अजीब लागो तो विनर हो जंती के जूलिया ड्यूस्को लियो स्कारेक्स हो जंती बेस्ट डायरेक्टर कैंस फिल्म रो बेस्ट डायरेक्टर हो जल्दी लुइस कैरेक्स से अवार्ड की पाई जल्दी लियोस कैरेक्स को मूवी लगी इट इंपोर्टेंट को मूवी लगी एनिट समस्त मने रूपे एनिट ए स्पेलिंग की होची ए एन एन ई टी टी ई ए एन एन ई टी टी ई ये पाई जल्दी लियोस कैरेक्स बेस्ट डायरेक्टर कैटेगरी में पाई जल्दी हमारा लियोस कैरेक्स को मूवी लगी एनिट तापे सेलिब्रिटी लैंड्री जोन्स कोति पाई पाई जल्दी बेस्ट एक्टर कैटेगरी कोति पाई पाई जल्दी बेस्ट एक्टर कैटेगरी सेलिब्रिटी लैंड्री जोन्स को मूवी लगी निद्रा समस्त मन रूपे निद्रा मूवीज लगी पाई जल्दी लैंड्री जोन्स तापे रिनेट रोन्सिन रिनेट रोन्सिन कोति लगी पाई जल्दी बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी रे पाई जल्दी एटा बहुत इंपोर्टेंट केते नंबर कैंस फिल्म फेस्टिवल 74 को अवार्ड पाइले जो हमर सबको 28 इयर्स रे फर्स्ट टाइम के पाइले ग्रैंड जो अवार्ड हमर जूलिया ने एक क्वेश्चन रोय अनेक क्वेश्चंस पर छै जोटा के बहुत बहुत इंपोर्टेंट तापर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपोर्टेंट इशू रे जेबा क्वेश्चन अटे पेगासस स्पाइवेयर एटा समस्त मतलब के पेगासस स्पाइवेयर इज इन न्यूज इट इज डेवलप्ड एंड लाइसेंस बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग कंट्री एतर जो पेगासस पेगासस नाम दे देला जो पेगासस फॉर न्यूज रे छै एटा मालिक साहब सा स्पाइवेयर पे और सुना जाउ छी कि भारत को एक्विजिशन पे लगा जाउ छी कि ए स्पाइवेयर को यूज करके गवर्नमेंट बड़े अपोजिशन रो भारत रो अनेक प्रोमिनेंट लीडर्स करो विभिन्न स्पाइवेयर करछे से मन को गुंडा पछरे गुंडा लगे छी तो ए पेगासस स्पाइवेयर टी को कंट्री रो बनी क्वेश्चन आसी छी तो ऑप्शन होची चाइना ना जापान ना इजराइल ना यूएस करेक्ट आंसर की होची इजराइल ना तापे क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 इन अ बहुत इंपोर्टेंट मोहम्मद यूनुस वाज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2006 फॉर पायनियरिंग माइक्रो क्रेडिट लोन्स टू इंप्रूवाइज पीपल दे ही बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री मोहम्मद यूनुस का नाम है तो सुनचे से जने बहुत बड़ो फिलैंथ्रोपिस्ट अटंती आउ एतरो तांको ओलंपिक का लोरेल अवार्ड मिलिला एटा सम सब तो बहुत बड़ो इंपोर्टेंट ओलंपिक रो लोरेल अवार्ड एतरो पाइले के मोहम्मद यूनुस तो से ताको विषय देछि से को कंट्री रो अटल देछि कि नोबेल मध्य पाइले 2006 रे से को कंट्री रो अटल देखि पचर छि ऑप्शन गुडी को छि बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान करेक्ट आंसर हो छि बांग्लादेश पिला माने मोहम्मद यूनुस जानबो कि बैंकर यूनिवर्सल बैंकर टू पुअर मध्य को जाय जाय छै असे जने बहुत बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट अटल छि आ स्पोर्ट्स पर्सन को मध्य बहुत सहायता कर छथि आ जो बांग्लादेश रे जो ग्रामीण बैंक कांसेप्ट के मोहम्मद यूनुस आरंभ कर चुके आउ से 2006 से सही तरह फिलैंथ्रोपी नेचर लगी नोबेल प्राइज मध्ये पाइले रे आउ एथर ओलंपिक रे लोरेल अवार्ड पाइले रे तो बोलते जा मंडर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन फॉर 3 मिनट्स
answer as many as you can, and after that there will be a complete discussion along with options. Thank you very much. Question number 11. Question number 11. The newly elected Prime Minister of Nepal. Nepal newly elected Prime Minister. क्या चलती बोली? Question number 13. Option बोली कौन जी? Mahindra Rajapaksa. ना हमारा Bidya Devi Bhandari. ना हमारा Sher Bahadur Dekua. ना Pedro Castillo. मैं कभी तो किए newly appointed Prime Minister of Nepal अपने. तो correct answer नहीं कौन अपना हमने? Correct answer नहीं option C. हमारा Sher Bahadur देखुआ आओ हमें समझते जान छे हमर जदे ऑप्शन बी हम लिखवा विद्या देवी भंडारी सी इज द करेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल एंड सी इज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल होती विद्या देवी भंडारी तापर ऑप्शन डी रे जो हमरो पेट्रो कास्टिलो सी इज द करेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पेरू न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ पेरू से जगह लेफ्टिस्ट लीडर अटले और ही इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू तापरे महिंद्रा राजपक्षे को जे देखबा समस्त बिजानी छे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका तापरे ये जो जते भी कंट्री इशू रह छथि समान को कैपिटल गुडी को मतलब बहुत बहुत इंपोर्टेंट अटे तापरे क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपोर्टेंट ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन अटे तो कौन ले जी इंडिया फर्स्ट एवर फेंसर टू मेक इट टू टोक्यो ओलंपिक एतरा भारत रो फेंसर भारत रो के प्रथम फेंसर जे की ओलंपिक को खेलबा को जाई छथि तो आप भारत रे फेंसर मेन गिरी के ही ओलंपिक को जाई नथि आज पर्यंत फेंसिंग ये जो फेंसिंग स्पोर्ट्स जे समस्त देखि पारते नेट रे सर्च करी कि फेंसिंग जे गोटे वन टाइप ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग परे तो सेही
आम इंडिया फर्स्ट फेंसर जेकि ओलंपिक जाइछथि ऑप्शन गुड कहउछि हमर अभिनव बिंद्रा ना भवानी देवी ना नदिया बेन अजीजी ना हमर शिवा केशवर तो करेक्ट आंसर टी होउछि हमर हमर भवानी देवी ऑप्शन बी भवानी देवी आउ से भवानी देवी बिकेम द फर्स्ट फेंसर ऑफ इंडिया टू विन ए ओलंपिक मैच एटा समस्या मन रखबे भवानी देवी इज First is the first Indian fencer to win a win an Olympic match. और से अर्थात आकर first Olympic match ने काम को परास्त कर दिया थी नदिया बेन अजीजी समझते हैं नोट करिए नदिया बेन अजीजी को परास्त कर दिया थी क्या Indian fencer हमरो भवानी देवी first match fencing का first match ने इंडिया जीती थी तो तापरे हमारे शिवा केशवन स्पोर्ट्स से तो बिलोंग करती को स्पोर्ट्स रे ल्यू समस्त जे मन रखबे ल्यू स्पोर्ट्स से तो बिलोंग करती हमरो शिवा केशवर तापरे नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 से ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन अटे द ऑफिशियल मास्कट ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक एतर 2020 ओलंपिक जो प्रो मास्कट के अटे मास्कट ऑप्शन गुडी को होची हमरो टॉम वेनिशियस मिनोस ऑफ मिनोटोवा ना सोमेटी करेक्ट आंसर के होची ऑप्शन सी मिनोटोवा मिनेटोवा अटे गोटे जापानी फिक्शनल कैरेक्टर अटे आ से होउछि कोन 2020 टोक्यो ओलंपिक रो मैस्कॉट सोमेटी कोन सोमेटी एतर पैरालंपिक 2020 रो जो पैरालंपिक रो मैस्कॉट के आबो हमर सोमेटी सेमे जे एक्टिव जो आमे जे विनिशियस विनिशियस मध्ये गोटे फिक्शनल कैरेक्टर अटे 2016 समर ओलंपिक रो जो रियो डे जेनेरियो रे एकना तार आमा तार मैस्कॉट थिला कि Vinicius sent paralympic 2016 paralympic re benefit eta amro master option after the top samasya eta manu tapre number 14 question number 14 question number 14 very very important it has because of the new name the new olympic sports making a debut at tokyo olympics 2020 एमती किसी स्पोर्ट्स का नाम बोल जाती है जोटा के तरफ फर्स्ट टाइम ओलंपिक को एंट्री 2020 ओलंपिक को एंट्री तो करेक्ट है जो आंसर गुड का समझते पे चार का स्पोर्ट्स हो ची बहुत इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स हो ची तो गुड को नोट डाउन करिए कि से मैंने पर न्यूली ओलंपिक को एंट्री कर चल तो हो ची फर्स्ट हो ची कौन हमारा जब देखा कराटे समझते नोट करिए कराटे स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग आउ सर्फिंग कौन तरह कह दो ची हमरा कराटे स्केटबोर्डिंग स्पोर्ट क्लाइंबिंग सर्फिंग ये चारोटी इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स एबे न्यूली एंट्री कर छी 2020 टोक्यो ओलंपिक्स को डिपोर्ट ताकर डिपोर्ट ओपनिंग कर दल नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 हमरो क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपोर्टेंट एटा अभी मध्ये ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन अटे द मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स इज सिटियस ऑल्टियस पोटियस तुम समझ जान के ओलंपिक रो मुख्यतः तांकर मोटो होची सीटीएस ऑल्टियस पोटियस जार मीनिंग होची फास्टर हायर स्ट्रॉंगर अटे तो एतर दुटा टर्म आउरी जोडाई छी समस्त जानतो तो नोट करतो एतर आउरी दुटा टर्म जोडाई छी सेकुडी को कोन बोली क्वेश्चन रे पचार छी ऑप्शन गुडी को आई छी हमर टुगेदर ना हमर अल्टर हमर टुगेदर अल्टरनेस ना फ्रेंडलीनेस ना फेयर तो करेक्ट आंसर के होची हमर टुगेदर करेक्ट आंसर जो छ हमर टुगेदर तो तार इते तार जो हमर ग्रीक नाट हो छि कम्युनिस्ट एतर गोटे वर्ड आउट ऑफ टर्म मध्ये ऐड हे छि टुगेदर बोली तार ग्रीक नाट कोन अटे कम्युनिस्ट एटा समस्त मन रखबे टुगेदर ऐड हेला आ तार ग्रीक नाट कम्युनिस्ट हे जेमति हमें बोलु छ हमर पेपर मोटो फास्ट आई एस स्ट्रांग तार ग्रीक नाट को छि सीटीएस ऑल्टियस एंड पोटियस त्राउटे ना जोड़ दे दे छि कम्युनिस्ट जार इंग्लिश की गटे टुगेदर समस्त एटा माने रखबे कम्युनिस्ट रो कम्युनिटी आसी छि तापरे नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपोर्टेंट मीराबाई चानू विंस इंडिया फर्स्ट मेडल इन टोक्यो इन द कैटेगरी ऑफ जो हम जान छ हम एतर 2021 ओलंपिक रे इंडिया को प्रथम मेडल के दे छ मीराबाई चानू दे छ वेरी इंपोर्टेंट कोस स्पोर्ट्स से तो जड़ित हो वेट लिफ्टिंग से तो जड़ित हो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग रे एतर सिल्वर पाइ छथि जोटा के हम इंडिया रा फर्स्ट मेडल अटे 2021 ओलंपिक तो से टोक्यो ओलंपिक रे को कैटेगरी रे वेट लिफ्टिंग कोन देले त
ତାଙ୍କ କ୍ୟାଟାଗୋରିଟି କ'ଣ ଏଠି ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 64 KG ନା 59 KG ନା 49 KG ନା 55 KG କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ କି ହେଉଛି 49 KG ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ନମ୍ବର 17 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟଲି ରଷିଆ ଟେଷ୍ଟ ଫାୟର S-500 ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଯୋଉ ଆମ ରଷିଆ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି S-500 ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ସେଇଟା କ'ଣ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଛି ऑप्शन गुड़ी को होची हमारा एयर टू एयर मिसाइल अटे ना सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल अटे ना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अटे ना सर्फेस टू एयर मिसाइल अटे करेक्ट आंसर क्यों होची सर्फेस टू एयर मिसाइल अटे प्रॉब्लम जितने भी सर्फेस टू एयर मिसाइल अटे दी समस्त एयर डिफेंस सिस्टम अटे दी अब रशिया में भी S-400 और S-500 ताकर एयर डिफेंस सिस्टम अटे दी जमते कि इजराइल रो एयर डिफेंस सिस्टम एतरो चर्चा पर सितला आयरन डोम समस्त एक मन रखले आयरन डोम ఇజ్రాయెల్ రో ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ దిలా అంటే రష్యా లో ఒక డెవలప్డ్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఉంది S-500 ఆ S-400 జోడకు ఒక ఇండియా మధ్య కిడివకు జరుగుతలా జోతలకి యుఎస్ ఏ పై తా బుద్దర కిచి దినకు శాంక్షన్ లగై దిలా సంతి ఎయిర్ టు ఎయిర్ మిసైల్ అని సంబంధి అంటే అస్త్ర వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెరీ రీసెంట్లీ తర టెస్ట్ ఫైర్ కు దేచి అస్త్ర రో తాపరే సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ జో అమరో సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిసైల్ అమరో ప్రతికి అగ్ని రో డిఫరెంట్ వేరియంట్స్ ఉంటుంది सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स मध्य अपन अनेक हमें टेस्ट कर सकते हैं समिति नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 मध्य बहुत इंपॉर्टेंट बुक से डॉक्टर रिलेटेड क्वेश्चन ए न्यू बुक टाइटल द इंडियन स्टोरी ए न्यू बुक टाइटल इंडियन स्टोरी या ऑथर के अटंती क्वेश्चन रो ऑप्शन गुडी को होचंती हमरा बिमल जालान ना दिनेश कुमार खरा ना शक्तिकांत दास ना सीडी देसु तो करेक्ट आंसर के होचंती हमरा फॉर्मर आरबीआई गवर्नर अटंती बिमल जालान बीमल जालन की बुक के लेक्चर थी द इंडियन स्टोरी जो कि आगामी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सीटी देशमुख हमारा फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई होते थे सीटी देशमुख तापर शक्तिकांत दास हमारा प्रेजेंट आरबीआई गवर्नर होते थे क्या माने आओ हमारा आरबीआई का फर्स्ट इंडियन गवर्नर होते थे सीटी देशमुख आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर के मेरा क्वेश्चन रहेगा पिला मान को समस्त कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिए तापर नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 गवर्नमेंट टू सेट अप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट व्हिच प्लेस एबे गवर्नमेंट सेट अप करबा को जाउची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज ऑन माइन जत्ते भी हमर कल्चरल हेरिटेज अछि से गुडी करो प्रिजर्वेंस रे तो सेटा को जगह रे पे एस्टैब्लिश हबा को जाउची तो ऑप्शन गुडी को होची हैदराबाद ना वाराणसी ना गया ना नोएडा तो करेक्ट आंसर की होची नोएडा नोएडा रे एस्टैब्लिश हबा को जाउची प्रा माने नोएडा रे आउ गया गया हिस्टोरिकल दृष्टि रो कोन पे इंपोर्टेंस बुद्धांगर भगवान बुद्ध करो एनलाइटमेंट इतना गया रे पिला माने तापर वाराणसी हम समझते जान छे कल्चरल हेरिटेज एटा हमरो वाराणसी अटे हमरो विश्वनाथ मंदिर अछि काशी विश्वनाथ टेंपल इज सिचुएटेड इन वाराणसी तर हैदराबाद हम समझते जान छे हमरो इंडिया रो बिरयानी कैपिटल अटे हैदराबाद तापर नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 रिसेंटली यूनेस्को recently UNESCO removes test of which place from world heritage list jete ki UNESCO ro world heritage tag lagi tai jo jo jaga ko seitu gotte city ko recently UNESCO heritage site ro remove kar diya jaise to sei ko jaga ka ta pachra hai great barrier reef na liverpool na halong bay na old bay city of siwa correct answer ki kon liverpool samasta man rakhe liverpool liverpool ko remove kar diya jaise अब ग्रेट बैरियर रीफ तो को लार्जेस्ट बैरियर रीफ पटे को जगह रो लार्जेस्ट कोरल रीफ पटे जोडे के ऑस्ट्रेलिया रे रहे छे समझते जान छते तो लिवरपूल को तो रिमूव कर दिया जाय छे व्यक्ति हमें भी 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पिला माने डिस्कस कर सेले हमें जे आगुरी मध्य ए क्वेश्चंस रिलेटेड जति के भी इंपोर्टेंट डाटा हमें डिस्कस करे से पूरा को रिलेट करके नीचे मध्य पिला माने अनेक डाटा काढी परबे तेनु जत्ते भी निजरो करंट अफेयर को ए समय रे बूस्ट करया पड़ेबो जो कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा को पड़ेगा आगामी जितने की भी चैलेंजेस का सूची जितने लगे तो समस्त को आज का क्लास में थैंक यू वेरी मच जय हिंद।